अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने गुरुवार को अब तक का सबसे भयावह आतंकी हमला किया है। इस हमले में कांधार प्रांत के पुलिस चीफ, गवर्नर और इंटेलिजेंस चीफ मारे गए। हमले में अमेरिकन कमांडर जनरल ऑस्टिन एस मिलर बच गए, जबकि दो अमेरिकी सैनिक सहित 12 लोग घायल हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है और बयान जारी कर कहा है कि उनका निशाना जनरल मिलर और पुलिस चीफ जनरल राजवेक थे। अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले पर भारत ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा है कि अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले से दुखी हैं। भारत इस हमले की कड़ी निंदा करता है और इस दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है। शनिवार को होने वाले चुनावों के मद्देनजर कंधार के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी, तभी अचानक से गोलियां बरसने लगी। इस हमले में कंधार पुलिस के चीफ जनरल राजेक, गवर्नर जलमई वेसा और प्रांत के इंटेलिजेंस चीफ जनरल अब्दुल मोमिन मारे गए। हमले में अमेरिकी जनरल मिलर बच गए, जबकि दो सैनिक घायल हो गए। अमेरिका ने भी मिलर के सुरक्षित बचने की पुष्टि की है।